नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में आज आपके लिए लेके आया हूं फिर एक विला सेक्टर 123 में। आपको याद होगा एरो विलाज में मैंने आपको 3 BHK का एक विला दिखाया था, तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए थे कि आप 4 BHK दिखा दो। मैंने कहा 4 BHK ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर हमें किसी को रेंट आउट भी करना है, एक तो हमारा रेंट बढ़ जाएगा और अगर 2 फैमिलीज हैं तो हम आराम से ऊपर नीचे रह सकते हैं। तो आप रोहित जी कुछ 4 BHK ज़रूर दिखाइए। तो मैंने वही लोकेशन बिल्कुल ढूंढी है, एरो विलाज ही है, गेटेड सोसाइटी है, सब कुछ वही, फैसिलिटीज़ हैं। बस वो 110 गज का था, ये 130 गज का है और डेफिनेटली आपको अच्छा लगने वाला है, सुंदर लगने वाला है। एलिवेशन आप देख लें, जब तक आप एलिवेशन पर नज़र दौड़ाएंगे तब तक मैं युवराज को अपने पास बुला लूँगा। चलिए, युवराज आज भी मेरे साथ हैं। युवराज कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। युवराज आज भी मेरे साथ हैं और क्योंकि युवराज को मैं इसलिए अपने साथ ले लेता हूँ, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं मेरे से भी ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि ठीक है आपको एक अच्छी जानकारी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वीडियो में कंटेंट हो तो अच्छा लगता है, नहीं तो खाली दीवारें और गेट दिखा के तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चलिए युवराज, सबसे पहले इसके बारे में एक्सप्लेन कर दें, कहाँ है, क्या है, कैसा है। वैसे मैंने थोड़ा सा बता दिया है। सेक्टर 123 न्यू सन इनक्लेव नियर 200 फीट एयरपोर्ट रोड, जो कि आपकी डायरेक्ट जीरकपुर से मुलापुर कनेक्ट कर रही है, मतलब वन ऑफ दी बैकबोन कह सकते हैं आप चंडीगढ़ की, उस रोड पे आप लोकेटेड हैं जी, नियर मार्केट्स जी। एंड लोकेलिटी की मैं बात करूँ तो वेल कंस्ट्रक्टेड एरिया रहेगा सारा जी, बड़ी रोड्स रहेंगी जी। एंड अगर कोठी की बात करें, फ्रंट एलिवेशन से लेके नीचे तक प्रॉपर टाइलिंग की गई है और एक ही लोग लगाते हैं एक ही कलर की टाइल, वो मतलब ग्रेस नहीं आती उसकी। ऊपर देखोगे आप, हमने ब्राउन टाइलिंग ऊपर ब्राउन लगा दी और नीचे थोड़ा ऑफ वाइट ग्रे टाइप थोड़ा लगा दी, बहुत सुंदर लग रही है, काफी शानदार लुक आ रही है इसकी। मतलब रोज रोज वाइट वॉश का झंझट तो खत्म हो गया। हाँ जी, है ना, ये बहुत बढ़िया हो गया। और गेट अगर हम खोलें, ये गेट ये वाला खुला है, ये खोलें गेट, अगर हम ये भी गेट ये अगर खुल जाएगा तो एक बड़ी गाड़ी आपकी फॉर्च्यूनर टाइप गाड़ी बहुत आराम से अंदर आ जाएगी, और छोटी हैचबैक कार यहाँ पे, एक हैचबैक कार यहाँ भी आ जाएगी, घुमा के एक कार इधर लगा दीजिए, एक गाड़ी इधर लगा दीजिए, ये आपका वॉशिंग एरिया के तौर पे भी यूज़ हो जाएगा गाड़ी निकलने के बाद, और ये आपका एक छोटा सा यहाँ पे आप ग्रीन बेल्ट के तौर पे भी डेवलप कर सकते हैं बिल्कुल आगे। हाँ जी, तो कुल मिला के स्पेशियस 130 गज जब हम सुनते हैं, मुझे याद है घर में भी जब हम बात करते हैं ना कि 130 गज क्या आना, अब मुझे पता लग रहा है कि 130 गज में क्या आ सकता है, बकायदा कि आपका आर्किटेक्ट जो हो वो बहुत दिमागदार हो। और यहाँ मुझे लग रहा है कि जितने सुंदर तरीके से उन्होंने जगह को बाहर ही देखा है मैंने अभी, और ये टाइल्स जो लगाई हैं बहुत सुंदर टाइल्स लगाई हैं, ग्रेस जो है घर की अपने आप उभर के सामने आ जाती है, ये सबसे अच्छी बात है कि आपका वाइट वॉश से जो है वो पंगा ख़त्म हो गया। ये आपका स्टेयर्स के नीचे स्टोरेज एरिया आ गया, इसको आप कवर भी करवा सकते हैं वुडन तरीके से, और ये आपका नीचे कवर हो जाएगा पूरा एरिया विद स्टेप एंट्रेंस दी गई है। अच्छा, विद स्टेप एंट्रेंस दी गई है, और ये भी एंटी स्किड टाइल्स हैं, एंटी स्किड टाइल्स हैं प्रॉपर, एंड ये स्पेशली हैवी ड्यूटी टाइल्स हैं, क्योंकि लोग नॉर्मल टाइल लगा देते हैं, कार वगैरह जड़ती है, क्रैक कर जाती हैं, क्योंकि तो आप अगर बड़ी कोठी ले रहे हैं तो कार भी बड़ी होएगी, तो उस करके वो हैवी व्हीकल होता है तो टाइल टूट जाती है, लेकिन इसमें हमने उसका ध्यान रखा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए अब अंदर जाके पता लगेगा कि हमारे जो सपनों का घर है वो आखिर लग कैसा रहा है। चलिए आइए, ये देखिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बताऊँ आपको। पहले किचन नहीं, पहले लिविंग स्पेस के बारे में थोड़ा बता दीजिए, जो मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। अब देखिए ये कैमरा पीछे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, ये सारा स्पेस है जी, ये सारा आपके लिए एक एरिया है। बताइए राज सर, बेसिकली इसमें जो कंसेप्ट है अगर आप करना चाहें तो ये आपका ड्राइंग एरिया आ जाएगा, ये डाइनिंग आ जाएगा, एंड यहाँ पे अगर आप वुडन पार्टीशन कर लें, वही मैं बोलने वाला था, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अगर हम यहाँ से वही मैं बोलने वाला था कि अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कवर कर दूँ हाफ वुडन पार्टीशन के साथ और छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स वहाँ पे रख दूँ, तो ये बिल्कुल आपका एक गेस्ट एरिया हो गया, यहाँ पे आपके गेस्ट आके बैठे, बिल्कुल अलग हो गया, एक सेपरेशन होगी। अच्छा, कई घरों में चंडीगढ़ में मैंने क्या देखा है कि उन्होंने पूरा कवर कर दिया, हाँ, ग्लास के साथ सेपरेट कर दिया, बिल्कुल ही सेपरेट, गेस्ट अंदर बैठा है तो बाहर की कोई भनक ही न रहे जी, तो ये भी एक अच्छी बात है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये डाइनिंग एरिया है, मतलब डाइनिंग तो इसमें चाहे आप 8 सीटर लगा ले इस तरीके के साथ तो भी इजिली आ जाएगा। एक आपकी बड़ी फैमिली है, आप एक जॉइंट फैमिली में एक्सटेंडेड फैमिली है तो उसके लिए आपको परफेक्ट एरिया रहेगा ये, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एंड टीवी पैनल हमने काफी डिजाइनर यहाँ पे बनाया गया है, ये एज इट इज मिलने वाला, एज इट इज मिलने वाला, बहुत अच्छा लग रहा है।
और मिक्स मैच करके आपने इसे दो कलर्स के साथ बनाया है और स्टोरेज एरिया बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीवी ही लगेगा यहाँ पे, आपके लिए स्टोरेज एरिया भी अच्छा खासा दिया गया है। अगर आप कल को चाहें फैंसी आर्टिकल वगैरह रख सकते हैं तो और भी ग्रेस बढ़ के आएगी। हाँ, और ये भी हो सकता है कि मेरा घर हो तो हो सकता है मैं इसे छोटी सी लाइब्रेरी बना लूँ, बुक्स ही रख दूँ यहाँ पे सारी, तो भी बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, फॉल सीलिंग बड़ी अच्छी है, फॉल सीलिंग आपको मिल रही है साथ में? बहुत सारे लोग कई बार क्वेश्चन पूछते हैं फॉल सीलिंग मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल चिंता ना करें। फॉल सीलिंग प्रॉपर आपको सेंटर में पॉइंट भी दिया है एक शैंडलर लगाने के लिए। वाह वाह वाह, ये तो मैंने अभी देखा है। हाँ, ये भी आपको दिया गया है। और स्प्लिट एसी की प्रॉपर फिटिंग रहेगी आपको, स्प्लिट एसी की नहीं तो हर एक प्रोविजन दे रहे हैं आपको, किसी भी चीज की तोड़ के फिटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आ गई आपकी मॉड्यूलर किचन, एंड किचन इतनी स्पेशियस है कि अगर एक की जगह दो तीन जाने अगर किचन में काम कर रहे हैं तो भी स्पेस बहुत रहेगी। बहुत स्पेस है, सही कह रहे हो, बिल्कुल प्रॉपर एल शेप किचन है और बहुत स्पेस है क्योंकि बिल्कुल सामने भी ओपन है डाइनिंग एरिया, तो आपकी कनेक्टिविटी फटाफट यहाँ गई और वहाँ से सर्व रहेगा आपका, मतलब इजी टू सर्व है। और अगर शायद मेरा मन करे तो शायद मैं भी इसको वुडन से थोड़ा सा कवर करवा लूँ यहाँ से, या उस साइड से कवर करवा लूँ। हाँ, ये भी ठीक आइडिया, यहाँ से वुडन से थोड़ा कवर हो जाएगा। तो कुल मिला के स्पेशियस किचन, स्पेशियस आपका पूरा जो है डाइनिंग एरिया, ये युवराज ने हमें दिखाया, बहुत सुंदर। अब हम बढ़ते हैं, ये क्या एरिया है युवराज? बिल्कुल सर, ये पूजा रूम एक बहुत ही अहम चीज़ है, घर में होनी चाहिए, उसके लिए हमने ये किया। बिल्डर भूल जाते हैं ये चीज़, घर तो बना देते हैं 3 BHK खुला डुल्ला, लेकिन जिसका घर है उसको जगह देने भूल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पूजा रूम, जैसे कि युवराज इतनी छोटी उम्र में ये सोच रखता है कि पूजा रूम घर की सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो हैट्स ऑफ टू हिम। और ये एक अच्छी बात है कि पूजा रूम वास्तु के हिसाब से, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूँ, कि आपकी जो पूजा रूम की कोई भी वॉल है वो वॉशरूम के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भगवान के कमरे की एक दीवार वॉशरूम, ये जो आपकी दीवार है इनकी ये किचन के साथ है, और ये जो सेकेंड वॉल है ये बेडरूम एरिया है, इसके पीछे वार्डरोब है, तो ये जो है कहते हैं सुचमता ध्यान रखना, वो एक अच्छी बात है। तो पूजा रूम भी यहाँ पे है। चलिए अब हम धीरे धीरे एंटर कर जाते हैं क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फाइनल जो है वो पूरा पूरा इसको लुक दिया जा रहा है। ज़्यादातर विलाज जो हैं वो सोल्ड आउट हैं। ये एक जो विला है ये आपके लिए हम लेके आए हैं, फटाफट से कॉल कर लेना आप, ऐसा ना हो कि ये भी निकल जाए। तो ये है आपका बेडरूम नंबर 1 जी। क्या एरिया होगा इसका, साइज क्या होगा? सर 12x14 का कमरा होगा। 12x14 का है और बड़ा सुंदर सा टीवी पैनल है जिसके पास आप खड़े हो, ये भी एज इट इज मिलने वाला है? एज इट इज मिलेगा, ग्रे एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन रहेगा इस रूम में, एंड अलमीराज अगर आप देखोगे ग्रे कलर में, ग्रे कलर की प्रॉपर स्लाइडिंग आपको अलमीराज मिलेंगी। क्या बात है, ऊपर एक्स्ट्रा कोई आपका लगेज का सामान है या कोई आपको एसेंशियल कोई आपकी जरूरत नहीं है आप ऊपर रख सकते हैं, और आपके जेवर और आपकी जरूरी चीजें रजिस्ट्री के पेपर सब इसमें रख के आप इसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं जी। ये सबसे अच्छी बात है। आपका शू रैक भी आ गया, बहुत बढ़िया। और इसमें फॉल सीलिंग एज इट इज रहेगी, स्प्लिट एसी की फिटिंग रहेगी, विंडो का बहुत ध्यान रखा गया है, रूम में भी विंडोज दी गई हैं ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर रहे, सनलाइट प्रॉपर रहे। अभी हमने लाइट नहीं जलाई हुई फिर भी आप देखिए कि एक अच्छी वेंटिलेशन, एक अच्छी लाइटिंग है। और ये है आपका वॉशरूम में अभी सिर्फ फिटिंग्स जो हैं वो रह गई हैं, बाकी सारा काम हो गया। और ब्रांडेड फिटिंग्स रहने वाली हैं। चलिए बहुत सुंदर, ये था बेडरूम नंबर 1। अभी तो हमने बहुत कवर करना है क्योंकि 4 BHK कोठी है, और डेफिनेटली अगर 4 BHK है तो फिर थोड़ी बड़ी भी होगी। ये देखिए, ये आ गया बेडरूम नंबर 2, मतलब ये भी 12x14 जी। कभी कभी हम डायमेंशन बोल देते हैं लेकिन आइडिया का फिर भी हमें समझ नहीं आता, तो बेसिकली अगर मैं कहूँ, जैसे हम बहुत सैंपल भी बनाते हैं, बहुत विलास भी दिखाते हैं, कस्टमर की कोठियाँ वो हमें कहते हैं कि देख लो एक बारी हमारी, क्योंकि आप डिज़ाइनिंग भी करते हो, तो किंग साइज अगर आप बेड लगाओगे ना यहाँ पे फिर भी मूविंग स्पेस आपकी बहुत रहेगी। सही कहा आपने। एंड क्रीम कलर का जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट किया है इसे और एरी एंड स्पेशियस बना रहा है वो इस रूम को जी। टीवी पैनल इंक्लूडेड हैं और फॉल सीलिंग यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे रूम से जो मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सुंदर वे में की गई है, लाइट्स जलने के बाद डेफिनेटली बड़ी अच्छी लगने वाली है ये। और वार्डरोब यहाँ भी स्लाइडिंग है, बहुत मैसिव वार्डरोब, बड़ा सा वार्डरोब जो है आपको दिया गया है, अगेन विद गुड स्टोरेज स्पेस, वॉल टू वॉल विद शू रैक्स, ये एक अच्छी बात है। और ये देखिए बहुत सॉफ्टली बंद हो रहे हैं।
और अब हम चलते चलते अटैच वॉशरूम है इसके साथ भी, उसकी टाइल्स भी बड़ी अच्छी हैं। और ये आ गया आपका वॉशिंग एरिया, और वॉशिंग एरिया भी अगेन नो डाउट स्पेशियस है। आप वॉशिंग मशीन लगाने के बाद उस तरफ यहाँ पे एक स्टैंड रख सकते हैं, चेयर लगा सकते हैं। कस्टमर अच्छा। के कभी कभी पॉइंट होता है कि पीछे से जैसे वेंटिलेशन के लिए बिल्डर ओपन रखते हैं, हाँ। लेकिन कि सेफ्टी मेजर के लिए इसलिए यहाँ पे ग्रिलिंग भी की गई है। ये आपने बहुत अच्छा करा दिया, ग्रिलिंग की है ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो गया ये। तो इसका अटैच वॉशरूम था वो भी आपने देख लिया होगा। एंटी स्किड टाइल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ भी मिक्स एंड मैच करके बहुत सुंदर तरीके से ऑफ वाइट कलर की टाइल्स लगाई गई हैं। आपके गीजर के लिए पॉइंट रखा गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए 2 BHK का ये नीचे स्पेस आपने देख लिया, 130 गज की कोठी, एरो विलाज, सनी एन्क्लेव जैसी लोकेशन, 200 फीट रोड के बहुत करीब, मज़ा आ गया देख के। और ये आप लोगों की डिमांड पे ही है, क्योंकि जब मैंने 3 BHK दिखाई थी तो आपने कहा था 4 BHK दिखाइए। और ये आ गया आपका स्टेयर्स एरिया ऊपर जाने के लिए, प्रॉपर स्टेनलेस स्टील की सर यहाँ पे रेलिंग्स मिल रही हैं आपको, ये बड़ा अच्छा लगाया आपने जी। चलिए इनहांस करता है लुक आपकी कोठी की, आपके विला की। फ्रंट में एक आपको बालकनी मिल जाएगी, बालकनी विद एंटी स्किड टाइल्स, क्योंकि बारिश जब होती है हम कई बार एंजॉय करने के लिए बुजुर्ग भी आ जाते हैं तो फिसलन हो तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, तो एंटी स्किड टाइल्स हैं। एक लंबी बालकनी है जिसमें कि ये जो एक एलिवेशन दिया गया है इसको अलग किया गया है इस एरिया से, जहाँ पे ये स्टेनलेस स्टील विद टफन ग्लास के साथ जो है आपको यहाँ पे फिटिंग दी गई है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रही है एलिवेशन युवराज, बहुत अच्छा है, बहुत थॉटफुल तरीके से बनाया। और ये एक पैसेज एरिया यहाँ पे आपको दिया गया है जी। इसका जिक्र मैं हर बार ज़रूर करता हूँ कि मैं हूँ तो शायद यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स छोटे छोटे लगा लूँ, गमले रख लूँ, या हो सकता है 2 बीन बैग भी रख लूँ यहाँ पे बैठने के लिए। चलिए अंदर एंटर कर रहे हैं, और अंदर एंटर करते ही सबसे पहले ये आ गया आपका किचन एरिया। देखिए होता क्या है कि अक्सर हम जो सेकंड फ्लोर है उसको रेंट आउट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, मैं खुद भी यही सोचता हूँ, ठीक है यार घर बैठे 15-20 हज़ार की इनकम शुरू हो जाएगी। तो ये आपको किचन है, अगर आप रेंट आउट पर देते हो तो किचन यहाँ पर आपको आराम से ये मिलने वाली है, और आप चाहें तो इसको मॉडर्न किचन में तब्दील कर सकते हैं, पर नहीं करें तो भी बढ़िया है, क्योंकि आपने रेंट आउट करना है, चीज़ें ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है। चलिए ये बेडरूम नंबर 1, प्रॉपर आपको अलमीराज दी गई हैं यहाँ पे भी, हाँ वो चाहिए क्योंकि जो भी रेंट आउट है वो अलमीरा तो मांगे गई, अच्छा है वो पहले से फिटेड है यहाँ पे, और बड़ी मतलब सर हमने जो जो चीज़ एक रेंट आउट करने के लिए या एक पर्सन को ज़रूरी एसेंशियल चाहिए हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं, जैसे एक हाई ग्लॉसी टाइलिंग आ गई ठीक है आपने, टेरेस के लिए प्रॉपर यहाँ पे प्रोविजनिंग आ जाएगी आपकी। चलो इसके बाहर भी हम चलेंगे यहाँ से बाहर, लेकिन ये बेडरूम नंबर 2 है एक्चुअली, जो कि बैक साइड पे है। बेडरूम नंबर 1 मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर हम बाहर की ओर भी चलेंगे। ये आ गया जी आपका बेडरूम नंबर 1, और बेडरूम्स की सबसे अच्छी खासियत जो मुझे लगी है वो ये है, पहले इस बेडरूम की बात कर लेते हैं, कि इस बेडरूम में भी एक ये स्पेस है जो आपको सीधा बालकनी की ओर लेके जाता है, ज़रूरी नहीं है आपको घूम के किचन की तरफ से बाहर जाना है, आपको जो है इधर से भी बाहर जाने का पूरा मौका है। आप बोर हो गए बैठे बैठे तो कई बार क्या होता है, हमने PG के पॉइंट ऑफ व्यू से देना होता है, हाँ, तो एक कमरा किसी को दे दिया, 3-4 बच्चों को एक को किसी को दे दिया, तो अपना यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, आ सकते हैं बाहर, तो ये सबसे अच्छी बात है। वार्डरोब यहाँ भी आपको बहुत सुंदर ग्रे कलर में एलिगेंट लुक दे रहा है, ये देखिए मैसिव स्टोरेज, और क्या चाहिए होता है जो PG वाले बच्चे होते हैं या परिवार, उनको वार्डरोब तो चाहिए होते हैं। वॉशरूम जो है वह यहाँ पे ये एक बड़ा सा वॉशरूम दिया गया है, कॉमन वॉशरूम, ताकि दोनों ही रूम्स से बाहर इसे रखा जाए, कॉमन तरीके से इसे यूज़ किया जा सकता है। एक बड़ा वॉशरूम, खुला वॉशरूम आपको यहाँ पे दिख रहा है, और वॉशरूम के बिल्कुल साथ, क्योंकि वॉशरूम के साथ यहाँ पे जिन्होंने ये एक बहुत बड़ा टेरेस दिया है, मज़ा आ गया देख के, टेरेस सुंदर टेरेस है ना सर, स्पेशियस, एंड ये हमने थोड़ा टेबल कॉन्सेप्ट कर दिया, ये बहुत बढ़िया कर दिया, क्या है आजकल लोगों का बड़ा फंडा चला है बारबेक्यू और ये वो, हमें तो पता नहीं, हम तो वेजिटेरियन बन गए, वो भी है, प्लस सर मॉर्निंग टी के लिए काफ़ी अच्छा, क्या बात है, न्यूज़पेपर पढ़ो यहाँ पे बैठ के सुबह सुबह ठंडी हवा में सैर करने के बाद यहाँ बैठ जाओ, आप अपना जो आपने डाइट लेनी है वो आप ले सकते हैं यहाँ बैठिए। ये एक टेरेस जो है वो एक बहुत सुंदर कंसेप्ट है, और ये साथ वाले घर वालों ने ये अच्छा खुद कवर कर लिया इन्होंने पूरा जी, ज़बरदस्त
ऐसे पार्टीशन करके एक अपना अलग से एरिया बना लिया यार। ये मेरे मन का काम किया इन्होंने भाई। गॉड, अगर मेरा घर हो ना ऐसा, तो मैं भी ऐसे पूरा ग्लास का कवर करके ना उसे एक ग्लास रूम टाइप बना। क्या बात है यार, मजा आ गया देख के। बढ़िया, देखा अब आपको पता लगा क्या क्या कर सकते हैं टेरेस का। सिर्फ यही नहीं है कि कपड़े सूखने डालने हैं, उस सोच से बाहर आ जाओ। ये मैंने ऊपर आके देखा अभी, कितना सुंदर इन्होंने पूरा ग्लास हाउस बना दिया है और बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। इसमें भी आप कल को यहाँ पे चाहें तो रूम बना सकते हैं। सर मैं तो इसे दो तरीके से यूज़ कर लूँगा, इतना मैं ग्लास हाउस बना लूँगा इसको और इधर मेरा खुला ग्रीन एरिया रख दूंगा। ग्रीन यहाँ पे सर आप आर्टिफिशियल ग्रास आजकल मिलती है, पार्क बना लो, क्या शानदार लुक बनाती है। और एक एंट्रेंस और जो मैं बता रहा था उस बेडरूम की बात, कि वो जो सेकंड बेडरूम है उससे भी आप सीधा बाहर इस टेरेस की ओर आ सकते हैं। जैसे उस बेडरूम से बालकनी में जा रहे थे, इस बेडरूम से हम इधर आ जाएंगे। तो युवराज, कुल मिला के बहुत सुंदर चीज़ आपने बनाई है, बहुत सुंदर कोठी है, कोई इसमें शक नहीं है। जी आज यार कॉलेज के दिन याद कर लेते हैं ऐसे बैठ के थोड़ा सा। कहाँ कॉलेज, वो तो पुरानी बातें होगी सारी। अच्छा तो अब आप ये बताओ कि 130 गज के इस शानदार से विला की क्या कॉस्टिंग रखी गई है, क्या प्राइजिंग है? सर प्राइजिंग काफ़ी जेन्युइन है एंड विद इन रेंज ऑफ 70 लाख ये प्राइजिंग है इस विला की। 70 लाख में 130 गज का 4 BHK, बहुत बढ़िया। देखिए लोकेशन की बात होती है, ऐसा नहीं है आपको कोई ये भी कह देगा मैं आपको 50 में घर दे देता हूँ, मैं आपको 60 में दे देता हूँ। घर इम्पॉर्टेंट है लेकिन लोकेशन उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो आप फटाफट कहीं भी पहुँच पाएंगे। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि घर जब आपके कोई आए, कोई रिश्तेदार आए, कोई फैमिली फ्रेंड्स आए, तो उनको कम से कम ऐसा एम्बियंस मिलना चाहिए कि बंदे का घर कहीं है, और एप्रिसिएशन भी आपके घर की होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी काउंट करती है। तो बहुत बढ़िया, सुंदर। थैंक यू विराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना समय निकाला, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि 70 लाख का ये विला आपको ज़रूर पसंद आएगा, 130 गज में 4 BHK एरो विला, बहुत सुंदर लोकेशन पे। आइए विजिट ज़रूर करें, फ़ोन नंबर लगातार चल रहा होता है, कॉल करें, पहले इंक्वायर करें, फिर फैमिली के साथ देखने आएँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगने वाला है। और बस मैं यही चाहूँगा कि आप लोग ऐसे हमें आशीर्वाद और प्यार देते रहें। और पिछले वीडियोस में ना मैंने एक कंसेप्ट शुरू किया था कि जाते जाते आपको मैं कुछ एक अच्छी बात ज़रूर बता के जाऊँगा, कि मेरी एक बात बोलने से हो सकता है कि शायद किसी का मन परिवर्तन हो जाए, या हो सकता है किसी को वो बात सुन के मन चेंज हो जाए। तो आज ये मैं कहना चाहता हूँ आपको कि आप एक बात याद रखना कि ज़िंदगी में जो अपनी मेहनत से आप कमा के, अपनी मेहनत से कमा के घर चलाओगे, वो सबसे बढ़िया है। आपको बहुत मौके मिलेंगे रिश्वत के, बहुत मौके मिलेंगे कहीं से इधर उधर से पैसा बनाने के, मारने के, पर गलती से भी एक सिंगल रुपये भी अपने घर में बेईमानी के लेके नहीं जानी है। जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सीख दी थी वो मैं आपको दे रहा हूँ। आज मेरे पास बहुत कुछ ना हो लेकिन बहुत सारे आशीर्वाद हैं, क्योंकि किसी का कभी ज़िंदगी में एक रुपया भी मारा नहीं है, इसलिए आशीर्वाद साथ साथ चलते हैं ऊपर से आप लोगों के। क्योंकि आप एक बात तो याद रखो कि चाहे ज़िंदगी में सारे CCTV कैमरे बंद हो जाएं, पर जो ऊपर से एक CCTV चल रहा है ना, वो हमेशा हमें रिकॉर्ड करता है, आवाज़ भी और क्या कर रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड करता है। तो अगर आज आप किसी के साथ एक रुपये की बेईमानी करेंगे ना, पता नहीं कहाँ वो 100 बन के निकलेगा। फ़ायदा क्या है, रुकना तो है नहीं अपने पास, तो करना ही क्यों। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आप लोग परिवार हो मेरा, हो सकता है मेरे से कई छोटे उम्र के भी ये वीडियो देख रहे हों, तो उनको कुछ एक अच्छी टीचिंग मिल जाए। क्योंकि मकसद सिर्फ आपको प्रॉपर्टी दिखाना नहीं है, कमर्शलाइज होना नहीं है, मकसद है आप लोगों के साथ दिली तौर पर जुड़ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी फ़ोन आ गया लगता है, चलिए मैं ये फ़ोन अटेंड करता हूँ। घर से ही आया, पूछ रहे होंगे खाना खाया कि नहीं, बता देता हूँ उनको। आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।